मुझे ये चोर किस चीज के बनाते हैं, मेरे घर भी ये घुस गया है। वर्दी इसलिए इनको दी जाती है कि गरीब के घर घुस जाए। गरीब कोई अपना काम कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, कि उसके ऊपर जाके दहशतगर्दी करें। कोई दहशतगर्दी भी करता है ना, वो ऐसे नहीं करता कि अगर कोई डकैत जो मेरा सामान उठाता था, वो सामान उठा के चला जाता ना, वो सीसीटीवी कैमरे तो ना उतारता, वो मेरे ऊपर चोरी के पर्चे तो ना देता, मुझे थाने के अंदर बंद तो ना करता। कि आप बैठ जाओ वरना तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई पर्चा देंगे चार्ज का, मंशात का, कि सारी जिंदगी ना छूट सकोगे। इस वक्त डीएसपी ने उनको बोला है कि इनकी इंक्वायरी ऐसी करो कि जो इसके खिलाफ गवाह हो उसके शनाख्ती कार्ड वगैरह ले लो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन मैं आपका हो जहांगीर हयात। इस वक्त मैं लाहौर की मशहूर शाहरा जो है ये शिमला पहाड़ी के नज़दीक से गुजरती है, वहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। और नाज़रीन आज मैं अपने इस प्रोग्राम में आपको पंजाब पुलिस का मकरू चेहरा और ये बताऊंगा कि किस तरह से वो अपने अख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने पूरे सूबे के अंदर जो है लूट घसूट का बाज़ार गर्म किया हुआ है। किस तरह ये अपने अख्तियारात को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन ये सिर्फ इस पंजाब पुलिस के छोटे अहलकारों का वतीरा नहीं, बल्कि इनके जो आला अफसरान हैं वो भी कुछ इसी किस्म की उनकी रवश है। और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अच्छे हों, लेकिन इनकी एक बड़ी तादाद जो है वो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके उसके बाद लूट घसूट जो है अपनी ज़ाती मकासद के लिए जारी रखे हुए है। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त ये अकबर, जिसका ताल्लुक मुल्तान से है, यहाँ लाहौर में मौजूद है, लाहौर आया हुआ है। ये यहाँ इंसाफ के हसूल के लिए, इंसाफ के तलाश में यहाँ लाहौर के अंदर मौजूद है। नाज़रीन आइए चलते हैं इसके पास, ये क्या कहना चाहता है। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि तुम यहाँ से वापस चले गए थे अपने बच्चों को लेके, कि तुम्हें जो है मतलब तुमने ये पता चला था कि वो बंदे की जो है ना, उस बंदे की आवाज़ सुन ली गई है, हुकामे बाला ने उसका एक्शन ले लिया है। अब आपका दो हफ्ते के बाद वापस आने का क्या मकसद है। मेरा मकसद ये है, मुझे वो इधर आए थे बुला के, वो डीपीओ के बंदे थे, वो कहता था मैं इरफान हूँ, डीपीओ का लीडर हूँ। लेकिन मेरे पास उसकी वीडियो भी है, एक आदमी ने वीडियो भर ली थी जैसे वो कसमें उठा रहा था, वादे कर रहा था कि आप चलो आपको इंसाफ मिलेगा, जो पुलिस वाले ऐसे जो है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर FIR दर्ज होगी, तुम्हारा सामान दिया जाएगा। मैंने इनकार किया कि मुझे उधर इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ मिलता तो मैं इधर क्यों आता लाहौर। वो कहता है नहीं देंगे, आप देंगे। इधर फिर लाहौर का SSP भी आया, SHO भी, उन्होंने भी किया कि तुम चले जाओ, अब तुम्हें बुला रहे हैं तुम जाओ। फिर हम उनकी भी बात माने, प्रेस क्लब के दो साहब थे, उन्होंने भी किया है कि तुम एक बार जाओ तो सही, अब तुम्हें बुलाने आ गए हैं, तुम जाओ। लेकिन मुझे इतबार नहीं था, फिर भी मैं चला गया हूँ। चलो भाई कोई बंदे कह रहे हैं भाई चले जाऊँ, वो भी अपनी वो कस्में उठा रहा था कि मैं मस्जिद में बैठ कर कहता हूँ कि आपको इंसाफ मिलेगा आप। लेकिन जब इधर से ले के गए हैं, उधर उतार के उन्होंने फिर उन्होंने मेरा कॉल भी बंद, सुनना भी बंद कर दिया। मैंने अभी भी कॉलें की हैं, वो मेरा नंबर अभी ब्लैक लिस्ट में लगा रखा है, जो इरफान आदमी है जो इधर से ले के गया था। लेकिन उधर मैं गया हूँ, उधर DSP साहब ने बस सुन, मैं क्या कहूँ, मेरा दिल नहीं कहता कि मैं एक मजदूर आदमी हो के ना मैं अपना कारोबार करता हूँ, ठीक है। वो मेरे भी खिलाफ़ हो गए हैं पुलिस वाले कि ये चोरियाँ करता है, ये डकैतियाँ करता है, वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। उन्होंने ना अनकरीब मुझे उन इतना तंग कर दिया है ना, वो कहते हैं आपकी दूसरी टांग भी तोड़ के रख देंगे जिसके साथ तुम चल के जाते हो, पुलिस के खिलाफ आवाज़ें उठाते हो, ये करते हो, ये तुम सब ख़त्म कर दें। मैंने बोला है मैं ख़त्म करता हूँ, लेकिन मुझे इंसाफ तो दें, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा। जो मेरा सामान उठाया है 15 से 16 लाख रुपए का उन्होंने सामान उठाया है, मेरे पास सबूत है। मेरी बातों पे आप कुछ भी यकीन ना करें, लेकिन मेरे पास जो सबूत है वो तो चेक करें। वो कहते थे सबूत कहाँ है, सबूत मैं दिखाने लगा हूँ तो वो ने नहीं सुना। उसने पूछा है कि मोबाइल के अंदर है या और भी किसी जगह पे है, मैंने कहा मोबाइल के अंदर भी है और मैं मीडिया वालों को भी दे के आया हूँ। फिर उन्होंने मेरे साथ मोबाइल भी नहीं लिया, ना उन्होंने सुना है। उन्होंने ये कहा है कि आप बैठ जाओ वरना तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई पर्चा देंगे चार्ज का, मंशात का, कि सारी ज़िंदगी ना छूट सकोगे। इस वक्त DSP ने उनको बोला है कि इनकी इंक्वायरी ऐसी करो कि जो इसके खिलाफ गवाह हो उसके शनाख्ती कार्ड वगैरह ले लो, जो इनके खिलाफ बोलें, ठीक है, जो इनके ऊपर आ जाएं ऐसा वो गलत कर रहे हैं, और
जब मेरे से सामान लिया था, मैं पैसे मांगे थे, उस टाइम भी वो एक चोर को पकड़ कर ले फिरते थे। उन्होंने उस टाइम भी उसको कहा था कि इसके ऊपर तुमने बोलो कि इसको चोरी का सामान मैं देता हूँ। उसने बोला भाई मैं नहीं बोलता, ये एक मजदूर आदमी है, ये अपनी रोजी करता है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्यों बोलूँ। लेकिन अब डीएसपी और पता नहीं और कौन था, डीपीओ था कौन, उसने बोला है कि वो थाने के जेल के अंदर बंद है, उससे बयान लिखवा के आओ। पुलिस वाले तो गद्दा को भी बनवा लेते हैं, जिस जैसे चाहे, अल्लाह माफी दे। ऐसा इन्होंने उस टाइम जुल्म किया है ना बंदियों के ऊपर, जब मैं थाने के अंदर बंद था, मेरे ऊपर भी जुल्म किया है कि आप खबरों वाले के पास ना जाना। मैं कहाँ जाऊँ फिर, मेरा सामान तो दे, मैं रोजी तो करूँ, रोजी करने पे महरूम हूँ, ठीक है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ। और इस वक्त ना मैं इतना तंग आ गया हूँ ना, जो आला हुक्मरान है, मेरा इस टाइम मुतालबा है चीफ जस्टिस साहब से, वजीर आला पंजाब से, वजीर आजम इमरान खान साहब से, के हाथ जोड़कर मैं अपील करता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मुझे आपने जेब से कुछ ना दें, कोई भी ना दे, जो मेरा सामान इन्होंने उठाकर रखा हुआ है, मेरे पास सबूत भी मौजूद है, वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है, मुझे ये चोर किस चीज़ के बनाते हैं, मेरे घर भी ये घुस गए हैं। वर्दी इसलिए इनको दी जाती है कि गरीब के घर घुस जाए, गरीब कोई अपना काम कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, कि उसके ऊपर जाके दहशतगर्दी करें। कोई दहशतगर्दी भी करता है ना, वो ऐसे नहीं करता कि अगर कोई डकैत जो मेरा सामान उठाता था, वो सामान उठा के चला जाता ना, वो सीसीटीवी कैमरे तो ना उतारता, वो मेरे ऊपर चोरी के पर्चे तो ना देता, मुझे थाने के अंदर बंद तो ना करता, मैं इधर रोड पे तो ना रुलता ना, वो थोड़ी सी चीज उठा के चला जाता। इन्होंने मेरे बर्तन भी उठा लिए, मेरे पास सबूत है, वो बिस्तरे भी उठा लिए। मेरी वाइफ कहती है कि ये ना उठाओ, वो कहते हैं हम सब कुछ उठाएंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ, ये अब पिनेगा। लेकिन वो हाल उन्होंने कर लिया है, हुक्मरान किधर गया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है वजीर आला साहब, वजीर आजम साहब, अपने बाप के बेटे हैं ना, मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, मुझे अपने पास बुलवाए, मेरे पास जो सबूत है वो सुने। वो आपको पता हो कि कितना जुल्म हमारी हुकूमत में गरीबों के ऊपर किया जा रहा है। मैं एक गरीब हो के अपनी रोजी करता हूँ, ये मेरी टांग है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। मेरे ऊपर ऐसे उन्होंने छीए प्यारे दिए कि ये छूट ना सके। वो जो पीटर होता है ट्यूबवेल वाला, वो मेरे ऊपर डाला है कि ये चोरी कर भाग रहा था, और 40 गट्टे गंदम के उसने बोले हैं, 50 मन जो गंदम बनती है, ये कहाँ का कानून है, मदीना रियासत कहाँ गई है। मैंने समझा था कि वजीर आजम वजीर आला बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन जो मेरी बात नहीं सुनेगा फिर तो मैं कहूँगा ये बड़ों की तब्दीली है। जहाँ मैं जाता हूँ वो कहते हैं तब्दीली है, तुमको किधर इंसाफ नहीं मिलता। वजीर आला साहब, वजीर आजम साहब, मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते, ठीक है, आपको पता तो चले ना कि कहाँ हमारी हुकूमत में कितना जुल्म हो रहा है। आप मुझे एक बार बुलाए, ना बुलाया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। इधर मुझे कोई नहीं है सुनने वाला, इधर पुलिस, मैं उधर से जुल्म की इंसाफ लेने आया हूँ, इधर वाले भी पुलिस के अफसरान उनके साथ मिलकर आए हैं, किया है कि हमारे तुम्हारे बच्चे हम उठा लेंगे, तुम्हारे ऊपर प्यार होगी, तुम इनको जरिया बनाया हुआ है। मैंने कोई जरिया नहीं बनाया, हालांकि मेरा रोजी का वसील सब कुछ पुलिस वालों ने छीन लिया है, लेकिन फिर भी मैंने इधर लिखा हुआ है कि मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं इंसाफ लेने आया हूँ। मेरे साथ पुलिस ने जुल्म किया है, मेरा सब कुछ उठा लिया है, मेरे पास सबूत है, सबूत चेक करो कि कैसे वो अब मुझे चोर बना रहे हैं। इंक्वायरी में मैं इधर आ गया हूँ, वो मुझे कैसे चोर बना रहे हैं। वो कहते हैं कि कोई बंदा तुम के ऊपर कह दे कि हमारे समाज ये हमारे साथ चोरी करता है, लेकिन कोई भी क्या मेरा दुश्मन जो कोई कह दे कि ये चोरी करता है, क्या उनके कहने पे ये मेरे घर आके मेरे घर बढ़ सकते हैं, ये मेरा सामान उठा सकते हैं, छत भी तोड़ के ले गए, सोलर प्लेटें, यूपीएस, सब कुछ, मेरा शनाख्ती कार्ड, मेरा निकाह फार्म, ये किस लिए ले गए हैं, ये मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। मेरा निकाह फार्म, मेरा शनाख्ती कार्ड मजदूरी का बना हुआ है, मैं परदेशी मजदूर हूँ। आपका निकाहनामा क्यों नहीं? मेरा निकाहनामा, मेरी घर वाली को गलत बातें करते थे, ये अब पिनेगा, ये अब नहीं छूटेगा, ये हाथ पे लेगा, तुम हमारे पास आ जाओ, या किसी के वो जिम्मेदार का कहते थे, वो बस इतना है ना उनका, तुम रिकॉर्ड तो चेक करो। काजम दनोत वालदे खुदा बचक, इजाज जोर है, वालदे आशिक हुसैन है, इनका रिकॉर्ड, हालांकि जो रिकॉर्ड नामी बंदे हैं उनके खिलाफ कानून बनता है कि कार्रवाई की जाए, लेकिन उनके साथ जो कानून के मुहाफिज हैं उनके साथ रल के मेरे से आए हैं कि सामान मुफ्त दे, सामान मैंने मुफ्त नहीं दिया, तो ये मेरे साथ इसने ऐसा जुल्म उठाया, ऐसा जुल्म मैं क्या कहूँ।
मुझे जो अफसरान है ना वो आके पुलिस वाले किसी पे इतबार नहीं है, ठीक है। हाँ मैं उधर जो रिपोर्टें दर्ज करवाता हूँ, जो दरख्वास्तें देता हूँ, वो एजी पंजाब के पास आती है, वजीर आला के पास आती है, सबके ये उनके ये वापस भेजते हैं। वो जो कुछ लिख के भेजे उनके पास अमल होता है, अमल दरामद होती है। जो मेरे पास सबूत है, हम रोड पे रुल रहे हैं, हमारे ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होती, और हमारे खिलाफ लिख देते हैं कि ये आता नहीं है। अभी उन्होंने ये इंक्वायरी कर रहे हैं कि हम मुझे चोर बना रहे हैं, ठीक है, बनाए चोर सारा कुछ, लेकिन वजीर आला से मैं कितने बार कह चुका हूँ, वजीर आजम से, चीफ जस्टिस साहब से मुझे अपील है, लेकिन और किसी से नहीं, क्योंकि एजी पंजाब का हक बनता था, हम इधर आए हुए हैं, मेरे पास सबूत चेक करे सारा कुछ, ये मेरे पास आए तो उनके ऊपर सख्त सख्त सजा जाए, इबरतनाक सजा दी जाए, ठीक है। मेरे ऊपर तो उन्होंने जुल्म कर दिया है, जुल्म की इंतहा भी हद पार कर गई है, ठीक है, लेकिन कि और कोई गरीब और कोई बच जाए मेरी वजह से, मैं तो नहीं बचाना, उनके ऊपर इतना सख्त सजा दी जाए कोई और बच जाए, ठीक है ना। इस गरीब आदमी को इंसाफ देने के लिए कोई तैयार नहीं, सबूत भी बल्कि इसको मजीद सप्रेस करने के लिए यहाँ पे आते हैं, इसको धमकियाँ लगाते हैं और इसको इबरत का निशान बनाने की बात करते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे इस हकूमत को सरदार उस्मान बुज़दार तुम्हें तो ख़ास तौर पे डूब के मर जाना चाहिए, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तुमने जो इस कौम के साथ जो तुमने इस कौम के इतमाद के साथ जो दगा किया है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा। नाज़रीन, इस भाई के साथ मैं यहाँ से इस रोड से शिमला पहाड़ी के रोड से मैं आपसे यहाँ से इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।